मिसेस खरे लाल बागर्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज का पार्ट 118 लेके आई हूँ। आज हम बताएंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर क्वायल है, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। वृत्ताकार कुंडली है बच्चों, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है r मीटर, फेरों की संख्या है n, धारा बह रही है i एम्पीयर। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यह हम आपको बता चुके हैं। सर्कुलर क्वायल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट लॉ के अनुसार हम इसे सिद्ध करा चुके हैं, b बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होगा, b इंटू ए म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। ए क्या है, एरिया है, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका म्यू जीरो पाई एन आर आई अपॉन टू। तो l बराबर एन फाई बाई आई एन, ये रखा पाई का मान यहाँ से रखा, म्यू जीरो पाई एन आर आई अपॉन टू ये हमने रख दिया। ठीक है, और ये आपका ये वाला आई ये हो गया। तो l बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन टू, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया सर्कुलर क्वाइल का। अब यहाँ से देखिए, म्यू जीरो का इसका मात्रक हेनरी, ये आपका मीटर है ना, तो म्यू जीरो का मात्रक हेनरी पर मीटर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, लंबी परनलिका का स्वप्रेरकत्व है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लंबी परनलिका के कारण जो है इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, म्यू जीरो कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई, आई बहने वाली धारा है, स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन अपॉन एल एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो फ्लक्स फाई बी क्या हो जाएगा, बी इंटू ए, बी आपका मी जीरो एन अपॉन एल इंटू आई और ए ये वाला। ठीक है, अब ये देखिए, एल बराबर एन फाइव बी अपॉन आई, तो एन बराबर म्यू जीरो है, फाइव बी का मान यहाँ से रख देंगे हम, एन अपॉन एल आई ए अपॉन आई, तो ये हो जाएगा आई आई कैंसिल, म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये आ गया लंबी परनलिका का स्वप्रेरकत्व। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।